हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। टुडे आवर टॉपिक इज बैटरीज फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बैटरीज क्या होती हैं पहले हम ये देखेंगे, बाद में एक ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बैटरी होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम सेल्स को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। या फिर एक ऐसी बैटरी हो सकती है जिसके अंदर ही बहुत सारे सेल लगे हों और वो ऐसे बैटरी काम कर रही हो। लेकिन अब सेल क्या होता है? ए सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इज एक्चुअली ए गैल्वेनिक सेल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। गैल्वेनिक सेल वियर केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैरी करते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब ये बैटरी की डेफिनेशन आ गई। तो बैटरी कितने तरह की होती है? बैटरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। हम सेकेंडरी की बाद में बात करेंगे, पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? प्राइमरी बैटरीज ऐसी बैटरीज होती हैं जिनमें एक बार रिएक्शन हो गई और केमिकल्स यूज हो गए, उनको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद डेड हो जाती है, दे बिकम डेड आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम यूज। लेकिन इनको रिचार्ज किया जा सकता है। सेकेंडरी बैटरीज कैन बी रिचार्ज, दे कैन बी रिचार्ज आफ्टर वन यूज एंड दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन फॉर सम टाइम। तो पहले हम प्राइमरी बैटरी में से एक की एग्जाम्पल लेते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल मतलब कि जो बैटरी, जो ड्राई सेल वॉचेस में, ट्रांजिस्टर रेडियोस में और बाकी चीज़ों में, टॉयज वगैरह में यूज होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ड्राई सेल, इसका नाम है ड्राई सेल, लेकिन एक्चुअल में ड्राई होता नहीं है। ये नाम पढ़ के ड्राई, इसको दूसरा बोलते हैं लैग्रैन्जियन सेल का मॉडिफाइड फॉर्म है ड्राई सेल। अब ड्राई सेल क्या होता है? ड्राई सेल में क्या होता है आपके पास? इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर विच एक्ट्स एज एनोड एंड ए कार्बन रॉड जो ग्रेफाइट की होती है, ग्रेफाइट एंड एक्ट्स एज ए कैथोड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज होता है पेस्ट ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ये पेस्ट इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ये याद रखिएगा, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी आ सकता है, बट इसमें ड्राई सेल में क्या यूज होता है एज इलेक्ट्रोलाइट, तो आप ये लिखिएगा एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। और जो कार्बन रॉड रहती है वो क्या करती है? पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है। पॉजिटिव मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। अब इसका हम थोड़ा डायग्राम बनाएंगे और इसको फिर डायग्राम से इसको बेटर समझा जा सकता है। और दूसरी बात, इसकी वोल्टेज कितनी रहती है? 1.5 वोल्ट पर सेल की। तो आपको जितनी चाहिए उतने तरह के सेल्स आप ले लीजिए कॉम्बिनेशन में, जितनी आपको वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से इनको यूज किया जा सकता है। इसका बेटर है कि आप इसकी केमिकल रिएक्शन और इसका डायग्राम समझ में आ गया, तो ये थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हो, क्योंकि थ्योरी में जो हमने वहाँ पे लिखना है डायग्राम में, वही यहाँ पे भी लिखना है। तो हम बेटर क्या करेंगे, शॉर्ट टाइम में पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं।
तो इसमें क्या होता है, एक जिंक कंटेनर, ये जिंक का कंटेनर है, मतलब ये जिंक का ही बना हुआ है पूरा कंटेनर। तो ये कार्बन की राड आ गई, जो बीच में आप देखते हो ना गोल गोल जो इसमें रहती है वो कार्बन की राड होती है। इसको हम थोड़ा सा डार्क दिखाएंगे कार्बन राड को, और इसके ऊपर एक मेटल का कैप लगा होता है, और इसके साथ में लगा होता है एक पेस्ट ऑफ यह आ गया कार्बन प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर, कार्बन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर ये है। यह आ गया जिंक, सॉरी जिंक में यह है कार्बन रोड जिसके ऊपर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, और जो यहां पे ये जगह रहती है इस जगह में रहता है इलेक्ट्रोलाइट आपका, जिसको कहते हैं जिंक क्लोराइड प्लस एमोनियम क्लोराइड पेस्ट। इसका फुल डायग्राम आ गया, और यहाँ से सील किया जाता है सेल को। ये पूरा इतना ही इसमें होता है, मतलब ये जिंक कंटेनर पूरा जो नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम, मतलब कि ये जिंक, ये कार्बन रॉड, और ये आपके पास आ गया पेस्ट ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, और ये जो बिल्कुल साथ में पास में ये वाला पोर्शन, ये है कार्बन पाउडर एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर। ये ब्लैक होता है, सारा ब्लैक दिखता है आपको, ये ब्लैक पाउडर, और ये आपका इसका एक वेल लेबल डायग्राम है आपके पास, किसका, ड्राई सेल का, जो एक प्राइमरी सेल। एक बार इसमें सेल रिएक्शन खत्म होगी, इसको रीयूज नहीं किया जा सकता है, इसको चार्ज रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार खत्म हो, सेल रिएक्शन खत्म हो गई तो ये डेड हो जाता है। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन से ये होती है कि जो जिंक होता है, ये वाला पोर्शन जिंक, जिंक ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है आपके पास, जिंक टू पॉजिटिव एंड टू इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम, ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं हमेशा, क्योंकि इस लेवल में आपको उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट रिएक्शन लिखते हैं। जिंक गिव्स जिंक पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय MnO2 एंड एमोनियम आयन, प्लस दीज टू इलेक्ट्रॉन्स गिव Mn2O3 प्लस एमोनिया एंड वाटर। ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट रिएक्शन है कि पहले जिंक ऑक्सीडाइज होता है, दो इलेक्ट्रॉन देता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये प्लस फोर से प्लस थ्री में चला जाता है, और जो ये एमोनियम क्लोराइड से या एमोनियम आयन से जो एमोनिया बनता है, एमोनिया क्या करता है, ये जिंक के साथ रिएक्ट करके दिस एमोनिया कंबाइंस विद दिस जिंक टू, ये जो आयन्स बन गए इनके साथ ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब Zn टेट्रा एमाइन जिंक बोलते हैं इसको। मतलब जो एमोनिया गैस बनती है ये क्या कर जाती है, इस जिंक के साथ कॉम्बिनेशन करके ये टेट्रा एमाइन जिंक कंपाउंड बनाती है, और ये आपके पास इस रिएक्शन की वजह से इस सेल से 1.5 वोल्ट्स वोल्टेज होती है इसकी। तो ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया है इस सेल को, एक केस स्टडी लेके। थैंक यू।